एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बनाना वॉलनट कपकेक्स एंड बनाना चॉकलेट कपकेक्स। बहुत ही इजी, हेल्दी, यमी रेसिपी है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जी, कैलरीज आप नोट कर लें और चलते हैं पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं विद इंग्रेडिएंट्स, आप नोट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं ओट फ्लोर से। ओट फ्लोर ले लें आप, क्वांटिटी मैंने नीचे मेंशन की हुई है। फिर ऐड करें सिनेमन पाउडर, इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से कि कोई लम्स ना रह जाए। जाते हैं अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स पे। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद बनानास। इसको आप अच्छी तरीके से मैश कर लें कि कोई चंक ना रह जाए बीच में। मैं इसमें डालूंगी ब्राउन शुगर, आप लोग हनी भी डाल सकते हैं, ग्रीक योगर्ट, वेनिला एसेंस, फिर हम डालेंगे 2 eggs। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें कि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाएं। और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। अब हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, सब चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम इसमें ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे जो कि हमने पहले बनाया था, लेकिन 2 portions में। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो मैं अब इसको 2 portions में डिवाइड करूंगी क्योंकि मुझे 2 flavors बनाने हैं। फर्स्ट बोल में मैं चॉकलेट चंक्स डाल रही हूँ, डार्क चॉकलेट चंक्स, और कुछ बचा दें टॉपिंग के लिए। और सेकंड फ्लेवर मैं बना रही हूँ वॉलनट्स का, तो मैं इसमें चॉप्ड वॉलनट्स डाल रही हूँ और कुछ मैंने बचा दिए हैं टॉपिंग के लिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। इस बैटर को डिवाइड कर दें 12 कपकेक्स में, जैसे कि मैं कर रही हूँ 1/4 cup इस्तेमाल कर रही हूँ इसको इवनली डिवाइड करने के लिए। तो इससे हमारे 6 banana walnut cupcakes बनेंगे और 6 banana chocolate cupcakes। इवनली फिल करने के बाद इसको सरफेस पे टैप करना ना भूलें, उससे एयर बबल ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर बची हुई चॉकलेट और वॉलनट्स डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इसकी कैलोरीज और भी कम हो जाएंगी, 130 कैलोरीज पर कप केक होगा। अदरवाइज़ अगर आप चॉकलेट वॉलनट्स डालेंगे उसके साथ ये 160 कैलोरीज पर कप केक होगा। अब हम इसको बेक करेंगे फॉर 25-30 minutes प्रीहीटेड ओवन में। और चलें जी, हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और कपकेक्स रेडी हो चुके हैं। और इसकी स्मेल तो क्या ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही यमी कपकेक्स है, हेल्दी है। आप इसको अपनी चाय, कॉफ़ी, मिल्क, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सॉफ्ट है, आप इसको स्टोर कर सकते हैं up to 1 weeks, किसी भी एयर टाइट जार में रखें, रिफ्रिजरेट करें, गर्म करें और एंजॉय करें। मुझे याद रखें अपनी दुआओं में। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।